आज मैं बैंगन का भरता बना रही हूँ। उसके लिए सरसों का तेल मैं बैंगन और टमाटर के ऊपर अच्छे से लगा ले रही हूँ, और एक चाकू की मदद से इसे दो पीस में कट करके इसके अंदर मैं लहसुन को पोक कर रही हूँ, मतलब अच्छे से सेट कर दूँगी। 3 से 4 लहसुन सेट कर रही हूँ, और फिर इसे मैं फ्लेम पर रोस्ट कर लेती हूँ, टमाटर को भी और बैंगन को भी, मतलब बीच बीच में उलट पलट करके अच्छे से रोस्ट कर लेती हूँ। बैंगन को भी बार बार पलटते रहेंगे, मतलब ऊपर से वो जला जला दिखेगा, बट वो अच्छे से रोस्ट होना ज़रूरी है, इसलिए उसको पूरा जला जला ही करेंगे। तो यहाँ टमाटर आप देख सकते हैं अच्छे से पक गया, तो मैं उसे प्लेट में निकाल ली हूँ, और ऐसे ही मैं दूसरे टमाटर को भी प्लेट में निकाल लेती हूँ। बैंगन को थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसलिए मैं अच्छे से इसे पका लेती हूँ। अब मैं इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद इसके बैंगन के जो छिलके वो मैं निकाल लूँगी। तो तेल लगाने से ये एक फ़ायदा होता है कि जो छिलका है वो बहुत पतला वो निकलता है, मतलब उससे क्या है बैंगन नहीं निकलता है, इसलिए तेल ज़रूर लगाए, अगर ना भी लगाएंगे तो चलेगा। वैसे ही मैं टमाटर का भी छिलके बाहर निकाल लेती हूँ। अब इसे मैं अच्छी तरह मैश करूँगी, टमाटर को भी और बैंगन को भी। तो बैंगन जो आप बड़ा वाला ख़रीदें, और इसके साथ ही मैं धनिया कटा हुआ और प्याज कटा हुआ डाल रही हूँ, साथ ही सरसों का तेल जो टेस्ट को बढ़ा देता है, और हरी मिर्च और नमक भी डाल दे रही हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह मैश कर ले रही हूँ। तो ये देखिए कितना बढ़िया से मैश हो गया, और अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। पहले मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ, और इसे मैं पराठे के साथ सर्व करूँगी। तो इसे आप चाहे लिट्टी के साथ खा सकते हैं, खिचड़ी के साथ खा सकते हैं, पराठे, दाल चावल, किसी के भी साथ खाएं, बहुत टेस्टी बनती है। होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी।